खबर जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र से आ रही है, जहां ट्यूशन से आते वक्त कुछ बदमाश दो छात्रों को रोककर गन्ने के खेत में ले गए और उनके साथ मारपीट कर उनसे 10 लाख रुपए की मांग करने लगे। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिकरोडा गांव का है, जहां ट्यूशन से आते वक्त दो छात्रों के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जो रात्रि 9 बजे के करीब अपने घर जा रहे थे, तभी गांव के ही कुछ बदमाशों ने उन्हें रोककर गन्ने के खेत में ले गए और उनके परिजनों से 10 लाख रुपए की मांग करने लगे। तभी किसी तरह छूटकर छात्रों ने शोर मचा दिया और डायल हैंडेड पर इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की, वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर भी पीड़ित को ही धमकाने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है और आरोपियों की जल्द पकड़ने का आश्वासन दे रही है। ये अभी पुलिस वालों को फोन किया था प्रधान जी ने, और ये डरक जाग मुजरिम घर पहुँचे है। इन्हें कैसे पता था कि मुजरिम का घर वहाँ पर है? वहाँ पर कुछ रिश्वत मिली ना, पैसा मिला किसे? इन्हें पुलिस वाले को। क्या नाम है? परवीन है। प्रदीप है, प्रदीप उसका नाम। प्रदीप, प्रदीप रावत। इन्हें पैसे मिले, इन्होंने लाठी चार्ज मारे पर किया। सिंगल उसके ड्रेस के, वो सिंगल परवीन, परवीन, परवीन और सिंगल ड्रेस में, कोई वर्दी वर्दी नहीं है, कुछ नहीं है। जी भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ? जी हमारे लड़के ट्यूशन पढ़ाए थे, दो चार लड़के थे, इन्होंने दो लड़कों ने उन पर पकड़ कर मारे, उन्हें मार कर उनका अपने बाप से फोन कर 10 लाख रुपए ले कर होगा। फिर उसके बाद हमने पुलिस से फोन करा तो पुलिस वाले ने कहा, कहने का तुम जेल में चलो, उन तक पुलिस वाले दो ने कहा लाठी चार्ज कर दो उन पर। अच्छा, तुम्हारे ऊपर? हमारे ऊपर, हमारे लड़के उनकी मारपीट कर, उनका पुलिस वाले ने कहा, कहने के लाठी चार्ज करो, क्यों रुपये ले लिए? किसने? हम ट्यूशन ट्यूशन पढ़ के जा रहे थे, तो रास्ते में दो लड़के खड़े थे, तो हमारे साथ लड़ने लगे। अच्छा, और मार करी और गला भी चला गया, पकड़ा था, गला भी छोड़ रहे थे। अच्छा, मैं घुस गए लेकिन मेरे पैसे, और एक मैं डिसीट के ले हूं, फिर क्या हुआ आपके साथ? मेरे मेरे पैसे मांगे बाबा, पैसे मांगे आपसे जी, फिर इसका बहुत मजाक।